अध्यक्ष महोदय, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और इसका एक रोचक पहलू भी है। एंटार्कटिक एक ऐसा क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल तो लगभग 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है और इट इज 60 डिग्री साउथ ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर का लगभग एक तिहाई हिस्सा एंटार्कटिका का क्षेत्र माना जाता है और ये अपने में कंसिडर्ड टू बी द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। यहां पर हैबिटेट की परिस्थितियां भी कठिन हैं, जलवायु की दृष्टि से सर्दी के मौसम में तापमान 0 से 90 डिग्री नीचे तक रहता है और गर्मियों में भी 0 से 10 डिग्री नीचे तक। इसका आज बिल लाने का उद्देश्य क्या है, मैं वही कहकर के बात समाप्त करूंगा क्योंकि बहुत अधिक विषय उठे नहीं हैं। 1959 में ये ट्रीटी हुई थी जिसके तहत ये 59 में हुई और भारत इसका हस्ताक्षर 1983 में करके इसका हिस्सा बन गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि एंटार्कटिका की जमीन को किसी भी सैनिक या किसी अन्य कारण से दुरुपयोग में ना लाया जाए, जिसे अंग्रेजी में कहा जा सकता है टू एंश्योर द डीमिलिटराइजेशन, ताकि वहां पर कोई मिलिट्री एक्टिविटी ना हो। दूसरा, कोई भी देश किसी प्रकार के माइनिंग की एक्टिविटी या कोई गैर कानूनी एक्टिविटी करे, क्योंकि ये मोर और लेस नो मैन्स लैंड है, उस तरह की परिस्थिति उत्पन्न ना हो, संभावना ना हो, कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने के लिए उस जमीन का इस्तेमाल करे, ऐसा ना हो। कुल मिलाकर के ये सुनिश्चित करना कि जितने भी देशों के वहां पे संस्थान हैं, जैसे बात साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, मैत्री और भारती जैसे भारत के हैं, वो अपने आप को शोध तक सीमित रखें या फिर और कुछ एक प्रयोग हैं जो जलवायु संबंधित या भौगोलिक संबंधित उन तक रखें। और इसलिए क्योंकि भारत के भी वहां दो संस्थान हैं और दूसरे देशों के भी हैं, इसलिए ये तय किया गया इसी ट्रीटी के अंतर्गत कि एक विधान लाया जाए, हर देश लाए, एक मान्यता थी कि उसी देश का विधान या कानून उसके अपने क्षेत्र में लागू हो। अब चूंकि हमारे भी दो संस्थान हैं तो जाहिर है हिंदुस्तान का, भारत का ही कानून वहां पर एप्लीकेबल होगा। यानी डीमिलिटराइजेशन तो है ही है, वो हमने सुनिश्चित की, उसको किसी प्रकार से इलीगल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं करना, ये भी सुनिश्चित हुआ। परंतु उसके बावजूद कभी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो किस कानून के तहत कार्रवाई की जाए, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि दुनिया भर में कोई ना कोई किसी न किसी तरह का कानून किसी न किसी स्वरूप में हर देश में हर क्षेत्र में लागू है। लेकिन ये चूंकि ऐसा क्षेत्र है जहां किसी देश की प्रभुसत्ता इस पर नहीं है, इसलिए भारत का कानून भारत के हिस्से के क्षेत्र में लागू हो, मात्र इतना इसका उद्देश्य है।